भाई हम अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, प्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। 9453081534। आज मैं ब्रेन के बारे में आज का टॉपिक है मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप से संबंधित दूरदर्शन की वार्ता। वार्ताकार हैं श्री डीडी शर्मा, एक्स सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट एवं स्पिरिचुअल हीलर, प्रबंध निदेशक 360 डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। ब्रेन बूस्टर स्कूल इज एसोसिएटेड विथ टीम 360। आज वैज्ञानिकों व मनोवैज्ञानिकों के शोध के बाद मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक सूक्ष्म स्वरूप हमें उपलब्ध है। इससे बच्चों की आंतरिक शक्तियों का विकास तेज गति से होता है। अब तो वैज्ञानिकों व मनोवैज्ञानिकों ने मिड ब्रेन से हुए लाभों को मापने के यंत्र भी विकसित कर लिए हैं तथा पैरामीटर भी तय कर चुके हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से न तो कोई नुकसान है और न ही कोई इसका साइड इफेक्ट है। 15 वर्ष तक के बच्चों में पीनियल ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन्स 120 पीजी पर एमएल होता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से यह स्तर अप्रभावित रहता है। मात्र न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन बच्चों में इलेक्ट्रो इंसेलेनोग्राफ यंत्र पर देखे जा सकते हैं। जब रॉबर्ट्स पियरे को 1981 में राइट ब्रेन के कार्यों पर शोध हेतु नोबेल प्राइज दिया गया, तब से ही वैज्ञानिकों ने संतुलित मस्तिष्क सिद्धांत को मिड ब्रेन एक्टिवेशन हेतु आधार स्वीकार किया। तब से लगातार रॉबर्ट पियरे के मॉडल के आधार पर मिड ब्रेन एक्टिवेशन को जागरूक लोगों ने वर्कशॉप के रूप में बच्चों को सिखाने का कार्य शुरू कर दिया। बच्चों को मात्र 6 दिन की क्लास में ही आशातीत लाभ होने लगे, जिनका अभ्यास करने पर चीन, जापान, ताइवान ने अति लाभकारी किट्स या टीन एजर्स तैयार कर दिए। भारतवर्ष में भी कुछ कंपनियों ने सुव्यवस्थित रूप से इस कार्य को आरंभ किया है। बच्चों को अत्यधिक आत्मविश्वास व आंतरिक बल इन वर्कशॉप के बाद मिला है। एक वर्ष तक के निरंतर अभ्यास से बच्चों में आमूलचूल प्रतिभाओं का विकास हो जाता है। भविष्य में यह बच्चे देश की प्रतिभाओं को नए आयाम देंगे। वार्ता में कुछ प्रश्न पूछे गए जो इस प्रकार हैं। पूछा गया कि क्या मिड ब्रेन एक्टिवेशन सभी बच्चों का हो सकता है, तो उत्तर है हाँ। सामान्यतः 15 या 16 साल तक के बच्चों में मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्तर 120 पीजी पर एमएल होता है, इसलिए 15 या 16 साल तक के बच्चों में मिड ब्रेन एक्टिवेशन की संभावनाएं सर्वाधिक होती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या मिड ब्रेन एक्टिवेशन से कोई हानि है, तो उत्तर होगा नहीं। मेलाटोनिन हार्मोन्स के स्तर से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाती, अतः किसी भी प्रकार की बच्चों को हानि नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्या बच्चे के अन्य हार्मोनल के सेक्रेशन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर निसंदेह नहीं है। चौथा प्रश्न, क्या 15 वर्ष से बड़े बच्चों में मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो सकता है या वो प्रवेश ले सकते हैं, तो प्रवेश लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लाभ की प्रतिशतता 1/4 से अधिक अनुभव में नहीं आई है।
क्या आँखों पर पट्टी बांधकर पुस्तक पढ़ने से ही जानकारी होती है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन हुआ या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जानकारी के लिए पैरामीटर्स तय किए गए हैं, उनके आधार पर बच्चों को अंक दिए जाते हैं तथा पर्याप्त रूप से मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो जाने पर प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से क्या लाभ है? वैसे तो वैज्ञानिकों व मनोवैज्ञानिकों ने 80 से अधिक पैरामीटर की सूची बना रखी है, लेकिन सामान्यतः 7 पैरामीटर्स जांच के लिए पर्याप्त हैं। यह 7 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पहला, एकाग्रता में वृद्धि होना। जब बच्चा लंबी अवधि तक पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ सकता है तो उसे 4 अंक दिए जाते हैं। यदि 3 घंटे तक लगातार एकाग्रता से पढ़ने की क्षमता आ जाती है तो उसे 3 अंक देने चाहिए। यदि 1 घंटे तक पढ़ने की क्षमता विकसित हुई है तो 1 अंक दिया जाना चाहिए। दूसरा, आत्मसम्मान या विश्वास की वृद्धि। यदि बच्चों में स्टेज पर खड़े होकर अपनी बात कहने की क्षमता आ गई है तो 4 अंक दिए जाने चाहिए। यदि दूसरों के सामने अपनी बात बताने की क्षमता आई है तो 3 अंक देने चाहिए। यदि बच्चों में विषय के बारे में समझ बन गई है और टूटी फूटी भाषा में अपनी बात को कह रहे हैं तो उन्हें 1 अंक देना चाहिए। तीसरा, लंबे समय तक प्रश्न उत्तर याद रखने की क्षमता। यदि बच्चे को प्रश्न का उत्तर संबंधित पुस्तक के संबंधित पृष्ठ का ध्यान करते ही यूटिलाइजेशन हो जाता है तो यानी फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है तो 4 अंक दिए जाने चाहिए। यदि बच्चों को उत्तर का आभास मात्र होता है तो 3 अंक दिए जाने चाहिए। यदि बच्चे को सिर्फ अपनी यादाश्ती बैंक से ही उत्तर मिलता है तो उन्हें 1 अंक देना चाहिए। नंबर 4, ज्ञानेंद्रियों व छठी इंद्रियों से संतुलित जानकारी प्राप्त होना। यदि बच्चे को छठी इंद्रियों से प्रश्न के उत्तर की जानकारी मिलती है तो 4 अंक दिए जाने चाहिए। यदि स्पर्श व गंध से प्रश्न के उत्तर के वाइब्रेशंस पकड़ने की क्षमता आई है तो 3 अंक देने चाहिए। यदि मात्र श्रवण व देखने से प्रश्न के उत्तर के वाइब्रेशन पकड़ में आई है तो उन्हें 1 अंक देना चाहिए। 5, अनुशासित जीवन जीने में रुचि। यदि बच्चे में सुव्यवस्थित दिनचर्या जीने का अभ्यास हो रहा है तो उसे 4 अंक दिया जाना चाहिए। यदि मात्र पढ़ने आदि के लिए स्कूल जाने के लिए अनुशासित है तो उसे 3 अंक देने चाहिए। यदि मात्र अनुशासन का महत्व समझ में आया है, विश्वास भी बना पर जीवन में नहीं उतारा तो उसे 1 अंक देना चाहिए। 6, कृतज्ञता। यदि बच्चे में अनंत ऊर्जा जिससे कि वो संबंधित वाइब्रेशंस को पकड़कर उत्तर देता है उसके प्रति कृतज्ञ है तथा कृतज्ञता प्रकट करता है तो उसे 4 अंक दिए जाने चाहिए। तथा माता पिता व गुरुजनों को सम्मान करता है व उन्हें प्रणाम करना जरूरी समझता है तो उसे 3 अंक दिए जाने चाहिए। मात्र स्वयं की योग्यता को ही अपनी प्रतिभा का कारण समझता है तो उसे 1 अंक देना चाहिए। 7, आँखों पर पट्टी बांध कर पहचान करना। यदि 80% या अधिक सही उत्तर देता है तो 4 अंक दिए जाने चाहिए तथा 70% से 80% के बीच सही उत्तर देता है तो 3 अंक देना चाहिए। यदि 50% से 70% के बीच सही उत्तर देता है तो 1 अंक दिया जाना चाहिए। परिणाम, उपरोक्त अंकों का कुल योग 20 से अधिक है तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का स्तर होगा।
ए प्लस यदि अंकों का योग 15 से 20 के बीच है तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का स्तर होगा। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के 6 दिन की कक्षाएं जो लगभग 45 दिनों की अवधि में पूरी हो जाती हैं उनके तत्पश्चात त्रैमासिक रिफ्रेशर वर्कशॉप में जाना अपेक्षित होगा ताकि वहां अपने अनुभव को शेयर कर सकें। इसमें वही बच्चे जाते हैं जो कि अच्छी तरह से अंक प्राप्त करते हैं और अच्छे प्रदर्शन करते हैं। उन्हें वर्कशॉप में डेमो के रूप में डेमो बॉय के रूप में